बिहार उपचुनाव के लिए अब रैलियों का दौर खत्म हो चुका है। बता दें आपको कि 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए बिहार के उपचुनाव की वोटिंग 21 अक्टूबर को होनी है, यानी कि अब सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए हैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले होने वाले सेमीफाइनल के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार की 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की कमान है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच ये लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली है, इस बात का अंदाजा हर राजनीतिक दल को है। बता दें आपको कि किशनगंज, सिमरी, बख्तियारपुर और बेलहर की सीट पर आरजेडी का कब्जा लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो रामचंद्र पासवान के बेटे को यहां पर टिकट दी गई है, जिनका नाम प्रिंस राज है, और ये सीट एलजेपी के खाते में आई है। एनडीए इस सीट को जीतने की पूरी तरह से कोशिश करेगा ताकि यहां पर उनका दबदबा बरकरार रहे। वहीं दूसरी तरफ लालू की गैर मौजूदगी में आरजेडी के लिए यह चुनाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार जनता किसके साथ है। हालांकि अगर धड़ाधड़ चल रही रैलियों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को जन समर्थन ज्यादा हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित होंगे, लेकिन 24 अक्टूबर को घोषित होने वाले चुनाव के लिए अब पूरे तरीके से राजनीतिक दल की नजरें यहां पर अपने अपने प्रत्याशियों पर टिकी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 21 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग में बाजी कौन मारता है। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।